खबर आपकी आंखों से, आपकी नजरों से बच गई हो। वर्ष 2023 में इस देश के 16 लाख बच्चों को एक भी टीका नहीं लगा, मतलब एक भी वैक्सीन नहीं लगा। ये वैक्सीन, ये टीके पोलियो, डिप्थीरिया, चेचक, टेटनस, हेपेटाइटिस जैसी बीमारियों से बचाने के लिए होते हैं, और इसका खुलासा यूनिसेफ की एक रिपोर्ट ने किया है। भारत में हर साल 2.5 करोड़ बच्चे पैदा होते हैं और जन्म से लेकर 1 साल की उम्र तक उनको करीब 9 से 10 टीके लगाए जाते हैं। अब आप सोचिए कि अगर एक ही साल में 16 लाख बच्चों को टीका नहीं लगा तो कितनी भयावह स्थिति, इन बीमारियों की महामारी की स्थिति नरेंद्र मोदी सरकार की विफलता के चलते पैदा हो गई है। आजादी के बाद से कांग्रेस की सरकारों ने मुफ्त टीकाकरण पर जोर दिया। डॉक्टर मनमोहन सिंह की यूपीए सरकार ने एनआरएचएम, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के अंतर्गत गांव-गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में टीकाकरण मुफ्त में कराया, और उसी के चलते हम पोलियो से मुक्त हुए। लेकिन आज ये सोचकर भी डर लगता है कि क्या पोलियो और चेचक जैसी बीमारी दोबारा हमारे देश में आ सकती है। किसी भी सरकार का दायित्व है मुफ्त टीकाकरण कराना, क्योंकि एक बच्चे के लिए टीका उतना ही जरूरी है जितना पैदा होने पर उसको सांस लेना या उसका रोना, और ये कांग्रेस की सरकारों ने किया, लेकिन हमने ढिंढोरा नहीं पीटा इनकी तरह। असलियत ये है कि ये करना इसलिए जरूरी है क्योंकि महामारी से छूट मिलती है, लेकिन जब कोविड आया और उसमें जो टीके दिए गए उसमें इतना ढोल बाजे नगाड़े बजाए गए, इतना विज्ञापन, इतना एहसान लादा गया, मानो आपके ऊपर बहुत इस सरकार ने कोई एहसान कर दिया। लेकिन विश्व गुरु का दम भरने वाली ये सरकार, असलियत यह है कि जीरो डोज फॉर चिल्ड्रन में हिंदुस्तान को विश्व के नंबर 2 पर ले आई है, हमसे आगे सिर्फ नाइजीरिया है। तो क्या सीखा हमने? 5 बड़े सवाल हैं, 5 बड़ी बातें हैं। हमने कोविड से कुछ नहीं सीखा। हमारा स्वास्थ्य बजट बजट के अनुपात में लगातार कम हो रहा है। स्वास्थ्य व्यवस्था दिन ब दिन बद से बदतर होती जा रही है। असलियत यह है कि गरीब को सस्ता इलाज तो दूर, जो प्राण रक्षक टीकाकरण था वो भी मुफ्त में नहीं हो रहा है। नरेंद्र मोदी ने 2 बार के अपने कार्यकाल में सिर्फ फोटो खिंचाई और विज्ञापन दिए, और 3रे बार के अपने कार्यकाल में वो अंतर कलह सुलझाने में और अपनी सरकार बजाने में मशगूल है। उनके पास स्वास्थ्य जैसे मुद्दों के लिए न वक्त है न नियत है। तो अपने बच्चों की हिफाजत, उनकी जान की हिफाजत, उनको बीमारियों से बचाने का जो जिम्मा है वो भी अब आप पर है, उसको बखूबी निभाइए। ये सारी चीजें कांग्रेस की सरकारों ने इसलिए करी थी जिससे देश रोग से मुक्त हो। जो चेचक, जो टेटनस, जो पोलियो जैसी महामारियां ग्रसित करती थी उससे हम मुक्त हो। लेकिन बिना टीका लगाए 16 लाख बच्चों को हमने उन बीमारियों को भी न्योता दे दिया है। और यही होता है जब सरकार आत्ममुग्ध होकर सिर्फ अपने बारे में, अपनी छवि के बारे में, अपने फोटो के बारे में सोचती है, देश के बच्चों, देश के भविष्य के बारे में नहीं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।